हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके 24th ऑफ जून के सेकंड शिफ्ट में जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछा गया था उसके क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। देखिए, आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, बोला जा रहा है आपको व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। आपको एंड एस के ये इंफॉर्मेशन है, एंड आपने यहां देखा एस यहां के क्या है, सभी में एक एक का गैप है। अब के बाद आपका टी लिया गया है, कितने के गैप पे, दो का गैप पे, राइट। मतलब टी एल और परसेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली यही है। मतलब फिर परसेंटेज के बाद दो का गैप, जी डॉलर और स्टार, यही है आपका फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, दो का गैप छोड़ने के बाद जे होना चाहिए, डी और सेवन, आपका क्या जे डी सेवन, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आपको बोला जा रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट फॉर्म ए ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब कौन सा ऐसा है जो आपके इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, जी एफ यू, कहां देखा आपने जी, जी आपका पोजीशन यहां है, आपका क्या एक पहले जा रहा है एफ बन रहा है और फिर एक पीछे हो रहा है, मतलब यू का पोजीशन एक पहले और एक पीछे हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसा ही सभी में है, जे नाइन फोर, कहां देखा आपने जे नाइन फोर, एग्जैक्टली ही ये सही है, ये भी दोनों सेम ऐसा हो रहा है, तो मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए फॉर्मेशन। आर एंड एस तो कहां है, आर आपने कहां देखा, यहां है, एंड और एस बिल्कुल सही है, टी सिक्स एच आपने कहां देखा, टी और उसके बाद पोजीशन सिक्स का हो रहा है, मतलब यही कुछ डिफरेंट दिख रहा है। और फिर सेवन डब्ल्यू आप चेक करें तो सेवन डब्ल्यू एट द रेट, मतलब आपका क्या आंसर होना चाहिए, जो आपका इसमें अलग है कुछ वो आपका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, यही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोला जा रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, कौन सा ऐसा पोजीशन बन रहा है। पहले आपने क्या देखा, 19th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 19th, क्लियर है। फिर आपको पहला क्या बोला गया था, 8 टू द राइट, मतलब राइट से भी 8, अब आपका सेम है राइट राइट, मतलब क्या हो जाएगा माइनस, और ये राइट का पोजीशन निकल कर आएगा तो क्या 19 माइनस 8 11, राइट से 11 आप चेक करें क्या आपका निकल रहा है, 1 2 3 का ये कॉम्बिनेशन बना और फिर से 3 का कॉम्बिनेशन ये बना, 6 हो गया और फिर आपका यह 3 9 हो गया और फिर आपका यह क्या 12 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कितना 11 चाहिए, मतलब ठीक है समझ रहे हैं। अब जैसे आपको 11 चाहिए तो आपने क्या, ये तो 12 तक हम लोग चले गए लेकिन एक पीछे आने के बाद आपको जे का पोजीशन 11th पे मिल रहा है और आपका जे किसमें, थर्ड ऑप्शन, मतलब आपका 3 ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कि प्रीसीड होंगे कॉन्सोनेंट से लेकिन फॉलोड होंगे नंबर से, मतलब आपको चेक क्या करना है, नंबर से पहले दो कॉन्सोनेंट आने चाहिए। पहला नंबर आपने कहां चेक किया, दो है, उससे पहले क्या दो कॉन्सोनेंट, एग्जैक्टली है। फिर दूसरा आपने ये चेक किया लेकिन दो आपका क्या कॉन्सोनेंट तो नहीं मिल रहा है, क्लियर। फिर आपने क्या किया, चेक ये मिला लेकिन दो कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा है, नंबर फिर आपको नेक्स्ट कहां मिल रहा है, फाइव लेकिन दो कॉन्सोनेंट नहीं है, फोर मिला दो कॉन्सोनेंट नहीं है, राइट, नाइन से पहले भी आपका दो कॉन्सोनेंट नहीं था, अब सेवन अगर आप चेक करें तो आपको दो कॉन्सोनेंट मिल रहा है, मतलब दो आपको टोटल मिल चुका है ऐसा ही सेम। फिर आपको नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, मतलब आपके पास क्या आंसर होना चाहिए, दो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपका सही बिल्कुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सभी सिंबल्स को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो 12th पोजीशन पे लेफ्ट एंड से आपका कौन सा बन रहा है सिंबल, कौन सा पोजीशन बनेगा किस लेटर के लिए, देखें तो ये एक बन रहा है जिसको ड्रॉप करना है, तो 1 2 3rd पोजीशन ये हो जाएगा आर का, 4 5 6 7 8 पोजीशन डी का बनेगा, 8 9 10 11 और ये 12 नहीं हो सकता, बल्कि 12 आपका क्या पोजीशन ए बनकर क्लियर होगा, तो मतलब आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, ए आपके पास नहीं है तो आपका नन ऑफ दीस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 क्वेश्चन, ऐसा ही अल्फा न्यूमरिक सीरीज आपके आज
सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। बिल्कुल आप सब प्रैक्टिस करते रहिए। जिनका एग्जाम आज इवनिंग में है या फिर जिनका एग्जाम आगे आने वाले टाइम पे है, तो बिल्कुल आप सब बेफिक्र होकर प्रैक्टिस कीजिए, आप सब अच्छा स्कोर करके आएंगे, राइट।